राम राम राम। नमस्कार, एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार अमीन के बारे में। इस वीडियो में जानने वाले हैं बिहार अमीन अभ्यर्थियों के लिए जरूरी बातें। इस वीडियो में बिहार अमीन जॉब प्रोफाइल जैसे कि वर्क, सैलरी, वेतनमान, पोस्टिंग, प्रमोशन, इन सभी के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। 1767 पोस्ट और 40 पोस्ट दोनों पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में आप लोग ये भी देख सकते हैं क्वेश्चन, 1767 पोस्ट वाले जॉब ही बिहार अमीन अभ्यर्थियों की पसंद क्यों है, अर्थात अधिकतर अभ्यर्थी 1767 पोस्ट वाले जॉब को ही क्यों पसंद करते हैं, तो इन सभी के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। अब आगे देख लीजिए आप लोग, सबसे पहले ये देख लीजिए, 1767 पोस्ट की बात करें तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत है, जबकि 40 पोस्ट की बात करें तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत है। तो इससे भी आप लोग समझ सकते हैं कि 1767 पोस्ट की बात करें तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत होने के कारण भी अधिकतर की पसंद है, अधिकतर अभ्यर्थी इसे पसंद करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं राजस्व कर्मचारी को भी ये भी जॉब पसंद किया जाता है, अंचल स्तर की बात करें तो इस पर होते हैं। तो इन सभी के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। तो आप लोग ये भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी जॉब प्रोफाइल देख लीजिए, तो वर्क में आप लोग देख सकते हैं काम क्या है, तो काम यह है कि ज़मीन मापी का काम है, आप लोग नाम से भी समझ सकते हैं इन सभी बातों को, तो ज़मीन मापी का काम है, आप लोग समझ गए होंगे। इसके बारे में और भी जानने वाले हैं आगे। क्वालिफिकेशन की बात आप लोग देख सकते हैं, शैक्षणिक योग्यता भी देख सकते हैं, इंटरमीडिएट है अर्थात 12th पास हैं, इसके इक्विवेलेंट हैं, समकक्ष हैं, तो है यही है इक्विवेलेंट, तो ये भी सेम है, वर्क भी सेम है। अब वेतनमान देख लेते हैं, 40 पोस्ट और 1767 पोस्ट दोनों की बात कर रहे हैं, तो आप लोग वेतनमान देख लीजिए। तो वेतनमान ये है कि लेवल 3 का है, मूल वेतन देख सकते हैं 21,700 से है और इन हैंड सैलरी 25,000 से 27,000 के लगभग देखने को मिलेगा। और आगे बात कर लेते हैं ग्रेड पे, 2,000 आप लोग देख सकते हैं छठा वेतन आयोग है और लेवल 3 सातवां वेतन आयोग है। अब आगे बात कर लेते हैं पोस्टिंग की, तो पोस्टिंग देख सकते हैं आप लोग, 1767 पोस्ट की बात पहले कर लेते हैं, उसके बाद 40 पोस्ट की भी बात करेंगे। तो आप लोग देख लीजिए 1767 पोस्ट की, तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि आप लोग निवासी, जाति, आवासीय, आय, ये सभी बातें हैं, तो इसके लिए आप लोग अप्लाई करते हैं तो क्या किस स्तर पर करते थे, एक था सीईओ लेवल पर, पहले की बात कर रहे हैं, अब तो वही आरओ हो गया है, तो सीईओ लेवल था, एसडीओ लेवल था और उसके बाद डीएम लेवल था, तो वही बात है। यहाँ पर आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, अंचल, अंचल स्तर, अनुमंडल स्तर, जिला स्तर, तो ठीक है। तो अंचल में सीईओ, तो सर्किल ऑफिसर, अर्थात आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद आगे देख लीजिए, इसी में है कि सबसे, आप लोग ये देख सकते हैं सबसे सीओ है, उसके बाद बात करें, ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं, जैसे कि आप लोग दाखिल खारिज के लिए आवेदन करते हैं ज़मीन के, तो आप लोग देखते हैं सबसे पहले राजस्व कर्मचारी वेरीफाइड करते हैं, उसके बाद आप लोग ये भी देख सकते हैं राजस्व कर्मचारी के वेरीफाइड होते ही, वेरीफाइड होने के बाद सीआई, तो सीआई करते हैं, सीआई मतलब हो गया अंचल निरीक्षक, तो ये करते हैं वेरीफाइड, उसके बाद आगे बढ़ता है, उसके बाद सीओ द्वारा भी कर दिया जाता है, उसके बाद आपको करेक्शन स्लिप जनरेट हो जाता है। तो ये सभी बातें हैं, तो वही बात है, यहाँ पर भी आप लोग ऐसे भी समझ गए होंगे, बिहार अमीन और राजस्व कर्मचारी इस स्तर पर हैं, उसके बाद उससे आगे की बात करें तो सीआई है, उससे आगे की बात करें तो सीओ है, ठीक है, और उससे भी आगे आप लोग अनुमंडल स्तर देख सकते हैं, एसडीओ है। अब आगे देख सकते हैं, यहाँ पर ही अनुमंडल स्तर पर ही है भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालय, तो इसमें भी काम मिलेगा जो 1767 पोस्ट पर जिसका चयन होता है, तो इसमें भी जैसे कि आप लोग विज्ञापन में देखे होंगे तो ये भी लिखा है भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालय, और उसके बाद आप लोग ये भी देखे होंगे अंचल अमीन की बात की गई है, तो अंचल अमीन भी आप लोग देख ली, यहाँ पर राजस्व कर्मचारी और बिहार अमीन, तो वही बात है। तो इस स्तर पर आप लोगों को पोस्टिंग मिलेगा, अंचल स्तर पर और अनुमंडल स्तर पर, ये भी आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद एक है कि बिहार लेवल पर भी मिलेगा, तो यहाँ पर आप लोग को भू अर्जन निदेशालय में पोस्टिंग मिलेगा, ये सभी बातें विज्ञापन में ही दिया गया है, आप लोग को प्रथम पेज पर ही दिखने को मिल जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर भी जाकर। उसके बाद आगे देख लेते हैं 40 पोस्ट की बात कर लेते हैं, तो 40 पोस्ट में आप लोग ये देख सकते हैं राज्य स्तरीय संवर्ग के अंतर्गत हैं, तो राज्य स्तरीय है, तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे, तो ये भी कारण है कि एक इसका जो है राज्य स्तर पर होगा, तो आप लोग को मनपसंद जिला, अंचल, ये सभी नहीं मिल सकते हैं, तो इसमें तो ऐसे भी नहीं मिल सकता है क्योंकि पोस्ट ही कम है,
तो ये भी बात है। और इसमें यह है कि आपको अपना जिला या फिर मनपसंद जिला मिल भी सकता है, अंचल भी मिल सकता है, या फिर आसपास के जिले अंचल ये सभी मिल सकते हैं। तो वही बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस कारण से भी कहा जा सकता है कि 1767 पोस्ट अर्थात राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ही अधिक अभ्यर्थियों की पसंद है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे देख लेते हैं आम लोगों किसानों से संपर्क। तो जी बिल्कुल, यहाँ पर अंचल स्तर पर जब बहाल होते हैं, यदि अंचल स्तर पर बहाल हो जाए तो आम लोगों से भी संपर्क बनता है, किसानों से संपर्क बनता है। तो ये सभी अच्छी खबर कही जा सकती है। इसी कारण से ही अधिक अभ्यर्थियों की बात करें, अधिक अभ्यर्थी इस जॉब को पसंद करते हैं। एक तरह से राजस्व कर्मचारी की तरह माना जा सकता है। अब आगे देख लेते हैं लोगों की भलाई। तो जी बिल्कुल, यहाँ पर भी आप लोग बात करें तो किसानों की भलाई हो जाती है। ये सभी बातें हैं कि जान पहचान बढ़ता है, तो ये सभी आप लोगों के लिए भी अच्छे हैं, संकेत हैं। तो आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों अंचल में नौकरी मिलता है। तो ये सभी बातें हैं, तो इन कारण से पसंद की जाती है अपने अंचल में भी, या फिर आसपास के अंचल हो जाए या फिर पड़ोस के ज़िले हों। वही बताया गया कि अपना जिला या फिर निकट नज़दीक या पड़ोसी जिला में भी मिल सकता है। तो ये सभी बात है, अधिक पद रहने से अपने मनपसंद जिला अंचल भी मिल सकता है। तो इन सभी बातों को लेकर अधिकतर अभ्यर्थी 1767 पोस्ट वाले जॉब को ही अधिक पसंद करते हैं। तो ये सभी कारण हैं, आप लोग जान गए होंगे। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप लोग प्रमोशन की बात देख लीजिए। अमीन से सर्वेयर के रूप में, तो आप लोग सर्वेयर के रूप में भी आप लोग यहाँ पर भी देखते हैं कि बिहार अमीन सर्वेयर का जो पोस्ट आता है, तो ये भी प्रमोशन के थ्रू मिल सकता है। उसके बाद हेड भी है, तो हेड का भी जो पोस्ट आता है तो ये भी मिल सकता है प्रमोशन के थ्रू। तो ये है लेवल 4 का, लेवल 3, 4, 5। तो इस तरह से भी आप लोग ग्रेड पे देख लिए होंगे, पहले का है, छठे वेतन आयोग का है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं, तो इस तरह से भी आप लोग मान कर चल सकते हैं कि ये सभी हैं। आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए इन सभी बातों को, यहाँ देख लीजिए, उसके बाद ये देख लीजिए, वर्क भी देख लिए होंगे, जमीन मापी का काम है, क्वालिफिकेशन तो आप लोग जानती हैं, वेतनमान भी देख लिए हैं। उसके बाद वेतनमान आप लोग जान चुके हैं कि कितना है। उसका आगे देख लीजिए, ये बात है, पोस्टिंग के बारे में जान गए हैं आप लोग को पोस्टिंग कहाँ कहाँ मिलेगा, अंचल स्तर पर और अनुमंडल स्तर पर। तो इस तरह से भी आप लोग मान कर चल सकते हैं भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालय में, और उसके बाद बिहार अमीन अंचल में। तो ये भी देख लीजिए आप लोग, बिहार अमीन को पोस्टिंग मिलेगा अंचल में। तो आगे देख लीजिए आप लोग, 40 पोस्ट का बात कर लेते हैं, तो राज्य स्तरीय है, तो आप लोग को मिल सकता है, इसमें कम पोस्ट है, तो मनपसंद जिले, और इसके बात करें तो अंचल का भी मनपसंद अंचल, अपना अंचल मिलने का बहुत कम चांस रहता है ये सभी में, कम पोस्ट भी हैं और राज्य स्तरीय हैं। अब आगे देख लीजिए आप लोग, बिहार लेवल पर देख लीजिए आप लोग, भू अर्जन निदेशालय में भी 1767 पोस्ट का पोस्टिंग होगा। उसके बाद इन सभी बातों को आप लोग पढ़ लीजिएगा, आम लोगों से किसानों से संपर्क बढ़ता है, तो ये भी अच्छे संकेत हैं। उसके बाद आगे देख लीजिए, 1767 पोस्ट की बात कर रहे हैं, तो किसानों से संपर्क बनता है। उसके बाद लोगों की भलाई भी, जान पहचान अंचल में नौकरी होता है तो आप लोगों को जान पहचान बनेगा ही, भलाई भी होगा किसानों का। तो ये सभी बातें हैं, ग्रामीण क्षेत्रों अंचल में नौकरी मिलता है, तो जी भी ये भी बात है, अपना भी अंचल या फिर आसपास के अंचल भी मिल सकते हैं। उसके बाद अधिक पद रहने से, तो ये सभी बातें कर चुके हैं, उसका प्रमोशन भी देख लिए हैं, तो इन सभी बातों को आप लोग देख लिए हैं। तो आप लोग शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को। तो बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।